सब्सक्राइब करें टारगेट इज पॉसिबल चैनल को, बेल आइकन को दबाना ना भूलें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मेल के माध्यम से मिलता रहे। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर एक नए वीडियो के साथ मैं हूं जी जायसवाल। आप देख रहे हैं टारगेट इज पॉसिबल। दोस्तों, जैसे कि आप लोगों ने मेरे थंबनेल पे देखा, सभी बीएलई भाइयों से मेरी रिक्वेस्ट, जिम्मेदारी से हम क्यों भागें, सतर्क रहें। ये जो मेरा थंबनेल है, ये थंबनेल मैं ऐसा क्यों बनाया हूँ, इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर अंत तक देख लेंगे, कहीं ना कहीं आप बड़ी समस्याओं में फंसने से बच सकते हैं। तो दोस्तों, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिए। दोस्तों, सबसे पहले आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे मैं पेटीएम का वेबसाइट ओपन किया हूँ और एयरटेल पेमेंट बैंक का अकाउंट ओपन किया हूँ। साथ ही साथ यहाँ पे मैं आरबीएल बैंक का भी नाम ले लेता हूँ, उसका मैं यहाँ पे वेबसाइट ओपन नहीं किया हूँ, इसलिए उसका नाम मैं यहाँ पे ले लेता हूँ, या फिर इंडस्ट्रियल बैंक का भी मैं यहाँ पे नाम ले लेता हूँ। दोस्तों, आप लोगों से मैं यहाँ पे बताने वाला क्या हूँ कि कई ऐसे यूट्यूबर हैं जो कि पेटीएम बैंक या फिर आरबीएल बैंक या फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के रिलेटिव कई सारे वीडियो बना रहे हैं कि आप लोग इन सर्विस का लाभ लीजिए या फिर उन सर्विसों को यूज कीजिए। दोस्तों, मैं यहाँ पे किसी भी यूट्यूबर को सीधे तौर पे निशाना नहीं बना रहा हूँ, क्योंकि उनका कर्तव्य यही बनता है कि वे अपने सब्सक्राइबरों को सही चीज़ बताएं और उनको इसके बारे में जानकारी दें। तो यहाँ पे कोई भी इस तरह की बात नहीं आती कि मैं किसी को मैं देख के जल रहा हूँ या फिर मैं किसी की बुराई कर रहा हूँ। अपने सब्सक्राइबर को सही जानकारी दें और कहीं ना कहीं वे सही जानकारी दे भी रहे हैं, तो इसमें मुझे कोई आपत्ति नहीं है। और कहीं ना कहीं किसी यूट्यूबर को अगर इन बातों से ठेस पहुँचे, तो उसके लिए मैं इस वीडियो में ही माफ़ी मांग रहा हूँ कि कहीं ना कहीं मैं किसी भी यूट्यूबर को यहाँ पे ठेस पहुँचाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, और चाहे मैं किसी से नाराज़ नहीं हूँ या फिर मैं किसी यूट्यूबर से कोई आपत्ति नहीं करना चाहता हूँ, क्योंकि दोस्तों, इस भारत देश में सभी को खुले दिल से बोलना, किसी भी बातों को खुले दिल से रखने की आज़ादी होती है। वे अपनी अपनी सोच से कुछ भी बोल सकते हैं या फिर कुछ भी बता सकते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं आप लोगों को क्या बताऊँगा, दोस्तों यहाँ पे मैं नाम लूँगा एयरटेल पेमेंट बैंक, आरबीएल बैंक, पेटीएम बैंकिंग सेवा या फिर डीजी पे। यहाँ पे मैं किसी का समर्थन या फिर किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। सभी बीएलई भाइयों को सीएसपी बीसी सेंटर लेना चाहते हैं, उनके लिए मैं यहाँ पे कुछ विशेष बातें बताने वाला हूँ। दोस्तों, सबसे पहली बात, पेटीएम बीसी बैंक या फिर एयरटेल पेमेंट बैंक या फिर आरबीएल पेमेंट बैंक से कितना कमा लेंगे और उसमें कितने आपको हेडक झेलने पड़ेंगे, कितने आपके रिस्क हैं, क्या आपने उस बारे में कभी सोचा? मान लीजिए इन बैंकों के जरिए आपने किसी के बैंक अकाउंट से डेबिट किया आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम के जरिए और डेबिट का पैसा आपके खाते में नहीं आया, क्या आप कस्टमर के उन पैसों को नहीं देंगे? आप अपने जिम्मेदारी से पीछा छोड़ देंगे? नहीं। अगर आपने किसी कस्टमर का पैसा डेबिट किया है, अगर वे पैसा कस्टमर के अकाउंट से डेबिट हो चुका है, अगर आपके बैंक अकाउंट में नहीं पहुंचा है, तो आपको उस स्थिति में उन पैसों को अपने जेब से ही भरने पड़ेंगे। चाहे वे पैसे आपको मिले या न मिले, वे आप पे डिपेंड करता है, क्योंकि आप ये जो भी पूरा प्रक्रिया है वे आप कर रहे हैं अपने दम पे। लेकिन अगर आप किसी भी पब्लिक सेक्टर या फिर प्राइवेट सेक्टर बैंक से सीएसपी लिए हैं, तो आप उसकी जिम्मेदारी लेने से पीछे नहीं हटेंगे। चाहे वे पैसा आपको 2 दिन बाद आए या फिर 4 दिन बाद आए, आप अपने जेब से पैसा दे देंगे, क्योंकि आपको भी कहीं ना कहीं ये भरोसा रहेगा कि ये बैंक फ्रॉड नहीं करेगा। लेकिन उन बैंकों के साथ ऐसा होता है तो कहीं ना कहीं आपके भी मन में कहीं ना कहीं एक डर सा रहेगा कि पैसा कहीं डूब ना जाए मेरा। दोस्तों, सबसे पहले आप लोगों को मैं यहाँ पे दिखा दूँ कि आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे पब्लिक सेक्टर बैंक है और यहाँ पे प्राइवेट सेक्टर बैंक है। अगर इन बैंकों के जरिए आपको सीएसपी बीसी केंद्र दिया जाता है किसी भी कंपनी के तहत, तो आप लोग आँख मूंद के ले सकते हैं, क्योंकि इनमें आपको कोई भी धोखाधड़ी का, अगर इन बैंकों के जरिए कोई भी धोखाधड़ी होती है, पेमेंट फंसता है या फिर पेमेंट रुक जाता है, तो आपके पेमेंट आज नहीं तो निश्चित कल मिल जाएंगे। अकाउंट ओपन करने के साथ साथ किसी भी बैंक में क्रेडिट कर सकते हैं और पब्लिक के उसी खाते के साथ आप डेबिट भी कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ पे मैं एक बात आप लोगों को और क्लियर कर दूँ, सीएसपी एंड एईपीएस में अंतर क्या है। दोस्तों, सीएसपी में आप जिस भी बैंक का सीएसपी बीसी केंद्र खोलेंगे, उस बैंक का आप अकाउंट ओपन कर सकते हैं, उस बैंक अकाउंट के साथ किसी भी कस्टमर के अकाउंट से आप डेबिट और क्रेडिट कर सकते हैं या फिर अदर बैंक में क्रेडिट भी कर सकते हैं, जमा कर सकते हैं। और एईपीएस यानी आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम से आप केवल पैसे को जमा कर सकते हैं और निकाल सकते किसी भी बैंक से, लेकिन आप वहां पे अकाउंट ओपन नहीं कर पाएंगे। ये अंतर है इन दोनों में, सीएसपी और आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम में।
तो दोस्तों मैं आप लोगों से यही आग्रह करूंगा कि अगर आप CSP BC लेना चाहते हैं या फिर आधार इनेबल पेमेंट सिस्टम लेना चाहते हैं तो कोई किसी भी विश्वसनीय कंपनी के साथ ही एग्रीमेंट पे साइन करें या फिर उसी सर्विस का सेंटर ओपन करें, चाहे वह CSP हो चाहे आधार इनेबल सिस्टम हो। ये मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों को डूबने से बचाऊँ, आप लोगों को सही रास्ते के तरफ ले जाऊँ। लेकिन यहाँ पर मैं किसी को कटघरे में खड़ा नहीं कर रहा हूँ कि आप ऐसी जानकारी मत दीजिए। भैया किसी भी यूट्यूबर का यही फर्ज बनता है कि कोई भी नई जानकारी आए तो वे आपके साथ शेयर करे, आपको बताए कि अगर आप लोग काम करने के इच्छुक हैं आप लोग कैसे करेंगे, उसके रास्ते वे बताएंगे ही बताएंगे, उनका भी फर्ज बनता है। तो मैं यहाँ पर किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, बस आप लोगों को आगाह कर रहा हूँ कि किसी भी काम को करने से पहले एक बार नहीं तो 100 बार जरूर सोच लीजिए। इस समय तो सही चल रहा है लेकिन फ्यूचर में कोई समस्या आती है तो आप लोग कैसे निपटेंगे, इन बातों पे भी गौर कीजिए, क्योंकि ये पैसे का लेन देन का मैटर है और कहीं ना कहीं पैसे के लेन देन का मैटर बहुत ही खतरनाक मैटर होता है और कहीं पर भी अगर गड़बड़ी हो गई तो सीधे तौर पर आप जिम्मेदार, आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उन पैसों को आप कैसे लौटाएंगे। तो दोस्तों आप लोगों से मेरी उम्मीद है, आप लोगों से मैं एक राय लेना चाहता हूं कि अगर आप लोगों को लगता है कि इस वीडियो के माध्यम से मैं कोई भी गलत जानकारी आप लोगों के साथ शेयर किया हूं तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं या फिर इस वीडियो को डायरेक्टली डिसलाइक भी कर सकते हैं। अगर आपको मैं सही जानकारी दिया हूँ तो आप लोग पॉजिटिव कमेंट भी करेंगे। सो थैंक्स, जय हिंद, वंदे मातरम।